संत महात्मा कहा करते हैं कि भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे तो जितना बन सके उतना तेज तेज और हमेशा लेते रहिए। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जपो, इसमें संकोच क्या करना है। इस भवसागर से भगवान का नाम ही हमें पार करेगा। परमात्मा के नाम का सहारा लेकर के ही हम ये भवसागर पार करेंगे। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भगवान का नाम छोड़ दूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो यह संभव नहीं है। राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गह अचाहत चढ़न आकाश। श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में कहते हैं कि हम भगवान के नाम को छोड़ करके मोक्ष को पाना चाहते हैं। ये तुम्हारा सोचना वैसे ही व्यर्थ है जैसे हम धरा पर बैठे बैठे देखते हैं कि आकाश से जल की बूंद आती है और हम आप यह सोचने लगे देख करके उस जल की बूंद को कि चलो इसी को पकड़ करके आकाश में चढ़ जाएं, तो क्या ये संभव है। आकाश से आई हुई जल की बूंद को पकड़ करके आकाश में नहीं जाया जा सकता है, यह संभव नहीं है। इसी तरह भगवान के नाम का सहारा लिए बिना मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम खूब लेना चाहिए, दिन रात जपें। भगवान शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगे अराती। महादेव जी दिन रात राम राम जपते हैं, उसी में तल्लीन रहते हैं, उसी में भाव विभोर रहते हैं। इससे हम आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो बड़े भाव से हम आप यह सुंदर कथा श्रवण करें और बीच बीच में प्रभु के नाम का संकीर्तन भी करते रहें। आज कथा का प्रथम दिवस है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से श्रवण करने से बुद्धिजीवियों को विश्राम की प्राप्ति होती है और जो साधारण लोग हैं वो जब पढ़ते हैं तो यह राम कथा उन्हें भगवान की भक्ति में रंग देती है और कलयुग के क्लेशों को हर लेती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि विश्राम सकल जननी रंजनी, बुद्धि विश्राम महाराज कहते हैं बुद्ध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कली कलसु विभंजने। यह श्री राम कथा कलयुग के क्लेशों को हर लेती है, बुद्ध जीवियों को विश्राम देती है और साधारण लोगों को भगवान की भक्ति में रंग देती है। तो श्री रामचरितमानस का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्लोक से करते हैं। सर्वप्रथम
गोस्वामी जी महाराज ने माता सरस्वती जी और भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायको। किसी ने कहा कि शास्त्र बताते हैं कि जब कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत की जाती है तो भगवान गणेश जी की पहले पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है, प्रथम पूज्य है भगवान गणेश। तो जब गोस्वामी जी महाराज इस ग्रंथ की रचना करते हैं तो मंगलाचरण में उन्होंने पहले माता सरस्वती जी का नाम लिया, बाद में भगवान गणेश जी का, जबकि पहले गणेश जी का लेना चाहिए था। ऐसा क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं पहले माता सरस्वती जी को प्रणाम करता हूं, बाद में गणेश भगवान को। क्यों? इसलिए कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं। यह ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होता है? यह ज्ञान हमें कहां से मिलता है? यह ज्ञान हमें माता सरस्वती की कृपा से मिलता है। जब तक माता सरस्वती कृपा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन देवता प्रथम पूज्य है, कौन बाद में पूजनीय है? ये ज्ञान तो माता सरस्वती से प्राप्त होता है, इसलिए मैं पहले माता सरस्वती की वंदना करता हूं, बाद में भगवान गणेश जी की। और इसके बाद उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में भवानी और महादेव जी, इनकी वंदना किस रूप में करते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इनकी वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। इसका तात्पर्य क्या है थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज मानो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको श्री राम जी की कथा श्रवण करनी है तो पहले आपके अंतःकरण में श्रद्धा को आना चाहिए, विश्वास को आना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में भगवान की कथा बैठने वाली नहीं है। इसलिए पहले श्रद्धा विश्वास को लाइए, तब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आएगी। बिनु विश्वास भगति नहीं अते ही बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति आ ही नहीं सकती है, इसलिए पहले भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हैं श्रद्धा विश्वास के रूप में। फिर भगवान शंकर को गुरु के रूप में भी याद करते हैं। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज और आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना है। ये भगवान श्री राम जी की कथा रूपी वन में विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि जी और भगवान श्री हनुमान जी महाराज है। तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज श्री जानकी जी की वंदना करते हुए कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। श्री जानकी जी कौन है? जो सारे जगत का सृजन करती हैं, सारे जगत का पालन करती हैं, सारे जगत का संहार करती हैं, जो कलयुग के सारे क्लेशों को हरने वाली हैं, वो भगवान श्री राम जी के बाम भाग में विराजमान करुणामयी माता श्री जानकी जी को मैं नमस्कार करता हूं, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। श्री राम के लिए गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम जी की माया जो है बड़ी विचित्र है, उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की माया का इतना प्रभाव है कि ये सारा जगत जो असत्य है यह हमें सब सत्य सा प्रतीत हो रहा है। रज्जो यथा अहेर भ्रमः, कैसे यह असत्य संसार सत्य सा कैसे प्रतीत हो रहा है? क्यों हो रहा है?
भूले भगवान की माया का प्रभाव है। ऐसे यह सत्य लग रहा है जैसे कि अंधेरे में जब रस्सी पड़ी होती है और हम आप देखते हैं तो डर जाते हैं, कहते हैं सर्प पड़ा हुआ है, सर्प है यहाँ पर। अंधेरे में रस्सी को देख करके हमें सर्प का भ्रम हो जाता है, हम डर जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान की माया के प्रभाव से यह संसार जो असत्य है यह हमें सत्य सा प्रतीत हो रहा है। रज्जो यथा अहेर भ्रमः, ये भगवान की माया का प्रभाव है। लेकिन जो मन क्रम वचन से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान के शरण में हम आप जाते हैं, उनके चरण जो है वो नौका की तरह है, उसका सहारा लेकर के, प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यत पादप्लो मेक में वही भवाम बोधे स्थिति सावताम, भगवान के चरण नौका की तरह है। और गोस्वामी जी महाराज अंत में कहते हैं, मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं किसके लिए? उन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए इस दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगे तो कहीं सत्संग में राम कथा कोई सुनाए तो जाकर सुन लीजिए, और मन को ना भाए तो कोई बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुझे तो आनंद आ रहा है, उन्हें तो बड़ा आनंद मिल रहा है, विश्राम की प्राप्ति हो रही है। और सच में यही जीवन का सार है। न हम आप लोग कुछ लेकर के आए हैं और न कुछ लेकर के जाएंगे, यहां से कुछ लेकर के जाने वाले नहीं है। अरे जब इस शरीर हमारे साथ में नहीं जाता है तो ये संपत्ति क्या जाएगी? कुछ नहीं जाएगा, यहां के यहां पड़ रह जाएगा। बस हमारे जो कर्म हैं, सत्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, यही हमारे साथ में जाते हैं, और जैसा हमने कर्म किया उसी के अनुसार हमारा वहां पर स्वागत होता है। सत्य कर्म किया है, अध्यात्म के पथ पर चले हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, और गलत कार्य किया है, गलत राह पर चले हैं तो नरक में जाएंगे। व्यवस्थाएं वहां पहले से ही कंप्लीट हैं, हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए बस जो सत्संग में बताया जाता है कि हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, तो वही करते रहें तो भगवान की शरण मिल जाएगी। गोस्वामी जी महाराज कवितावली रामायण में बड़ा सुंदर एक पद लिखते हैं, किसी राम स्वरूप अगाधयनूप बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुन राम ही को थलु है, मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बलु है। बस यही है, कुछ नहीं, भगवान के चरणों में ही रति होनी चाहिए, सुंदर मति होनी चाहिए, सुंदर गति की प्राप्ति हो। भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए संसार से जाएं, बस यही जीवन का सार है। तो गोस्वामी जी महाराज ऐसे सुंदर भावों को प्रकट करते हुए इस ग्रंथ की रचना करते हैं। आगे चलकर के उन्होंने इसी ग्रंथ में भगवान गणेश जी की वंदना,
भगवान शंकर की वंदना सोरठा के माध्यम से करते हैं, भगवान नारायण की वंदना और फिर चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने गुरुदेव जी की वंदना की है कि बंदो गुरु पद पदम परागा परी।